अब सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा जो दिवस आता है स्वामी विवेकानंद की जन्मशती पर, हमने सिविल अस्पताल की तरफ से एक साइक्लोथोन का आयोजन किया जा रहा है। इस साइक्लोथोन के अंदर जितने भी सिरसा के कॉलेजेस हैं, उनके रेड रिबन क्लब्स के जितने भी छात्र हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें साइक्लोथोन का आयोजित करने का एक ही मोटिव है कि लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करना, खासकर हमारे युवा वर्ग को HIV एड्स के प्रति जागरूक करना। क्योंकि एक सर्वे कहा गया है कि पिछले जो 20 सालों के अंदर जो HIV के जो मामले हैं वो युवा वर्ग के अंदर सबसे ज़्यादा आए हैं। तो हमारा एक ही हमारा टारगेट है कि जो हमारे देश की युवा है, जो हमारी एक नींव है, जो देश की एक मजबूत स्तंभ है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो HIV एड्स के प्रति जागरूक हो और देश के अंदर और समाज के अंदर HIV के प्रति अपनी एक जागरूकता फैलाई जा सके। तो सर आज कितने युवाओं ने भाग लिया? इस मैराथन के अंदर 40 युवाओं के ने भाग लिया, जिसके अंदर 20 गर्ल्स है और 20 बॉयज़ है। और इसके अंदर बाकायदा उनको मोमेंटो दिया जाएगा, हमने टी शर्ट दी है उनको, रेड रिबन क्लब के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें कैप दी गई है, ताकि ये समाज के अंदर एक मैसेज जाए HIV एड्स के प्रति। इसका रूट वगैरह क्या था? इसका रूट ये रहा, जो गर्ल्स की थी है, वो गर्ल्स की है 5K थी की थी, जिसके अंदर भगत सिंह स्टेडियम से शुरुआत होकर बाबा भुवनेश्वर चौक, बस स्टैंड से होते हुए हुड्डा चौक से और वापस स्टेडियम के अंदर आई है। तो सर, हरी झंडी वगैरह चीफ गेट हमारे DTO सर डॉक्टर रोहताश वर्मा द्वारा आज की इस साइक्लोथोन को हरी झंडी देकर फ्लैग ऑफ देकर आज इंटरनेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है उस कार्यक्रम उन कार्यक्रमों के तहत जो है आज हम एक साइक्लोथोन का आयोजन किया है। इसमें गर्ल्स की साइक्लोथोन है, दूसरे बॉयज़ की है। गर्ल्स की साइक्लोथोन का अलग से रूट है और बॉयज़ के लिए अलग से रूट है। गर्ल्स की साइक्लोथोन का जो है 5 किलोमीटर का टोटल सफ़र है और बॉयज़ के लिए जो है 10 किलोमीटर का है। तो इसमें ये बच्चे जो है अपना रूट पूरा करके यहाँ पहुँचेंगे। उस इनका पहुँचने के टाइमिंग के हिसाब से इनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज़ दिया जाएगा, बाकी सभी प्रतिभागियों को कॉन्सोलेशन प्राइज़ मतलब दिया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल यूथ डे है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन के उपलक्ष्य में हर साल जो है वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है या जीवन जो है प्रेरणा स्रोत है इन अर्थों में कि वो पैदा हुए और एक अच्छा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, और जो ही मतलब रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई तो उनका जीवन ही बदल गया। और ता उम्र जो है रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के साथ रहे और अपना सारा जीवन जो है उन्होंने धर्म के लिए लगा दिया। और हम सभी को पता है कि उनका जो विश्व धर्म संसद में दिया गया जो स्पीच था आज भी प्रासंगिक है। और उनके कहे हुए कुछ वाक्य जो हैं आज भी हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रासंगिक हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये आखिर मीन्स इनफाइनाइट टाइम तक जो है प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि ये सत्य का बोध कराते हैं। सत्यता कही गई है इनमें, तो सत्य को कभी भी न तो ख़त्म हो सकता सत्य, न दबाया जा सकता, ठीक है, उसको पीछे धकेला जा सकता है कुछ टाइम के लिए, अंत तो गतुआ जो है सत्य को आगे ही आना होता है। तो ऐसा कुछ स्वामी विवेकानंद का जीवन रहा और उन्होंने अपने मतलब जीवन के बारे में संदेश वो देते रहे, बार बार संदेश देते रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज की जो रैली है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर जो 12 जनवरी को होता है उनके जन्मदिन पर जो है कार्यक्रमों की कड़ी का आयोजन हमने किया जाना है। तो संदेश हमारा यही रहेगा, एक तो उनकी शिक्षाएं जो हैं स्वामी विवेकानंद की यूथ के लिए,
दूसरा जो है हमारा संदेश रहेगा कि HIV एड्स जो है उसको कैसे हम समाज में फैलने से रोक सकते हैं, बचाव के तरीके, अगर किसी को हो गया है, अगर कोई एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली इसके गिरफ्त में आ गया है, इस बीमारी के गिरफ्त में आ गया है, तो हम कैसे उसका बचाव या कैसे हम अपने जीवन को लंबा सकते हैं और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। और एक ये भी रहेगा कि भी किस तरह हम, अगर कोई गिरफ्त में एक्सीडेंटली आ गया है इस बीमारी के, तो किस तरह हम उसको फैलने ना दें अपने हेल्दी युवाओं में, हेल्दी मतलब